ग्रामीण छात्रों को शिक्षित करने के लिए संजोली और अनन्या जो दोनों बहनें हैं उनके द्वारा अहम कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन दोनों बहनों ने करनाल के गांव दरड़ को गोद लेकर वहां पर गरीब छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का कार्य किया है। उन्होंने इस गांव को मॉडल विलेज व प्लास्टिक फ्री बनाने में भी अपना सहयोग दिया। बता दें कि दोनों बहनों द्वारा शुरू किए गए मोबाइल स्कूल शिक्षा का गांव के गुरुद्वारे में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर नाटक, नृत्य व भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। संजोली ने समाचार एक्सप्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि उनका उद्देश्य है कि इन बच्चों को शहरी बच्चों के समान शिक्षा देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, खेल आदि के क्षेत्र में भी इन छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया है। यहां हम आपको बता दें कि संजोली व अनन्या द्वारा गांव को गोद लिया गया है और वहां पर सफाई व्यवस्था व शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जो ये अभियान चलाया गया था, इसमें स्वयं सेवक भी अपने आप जुड़कर बच्चों को शिक्षित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उनका प्रयास रहेगा कि इन बच्चों को शिक्षित करके इनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाए। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आपसे ऐसी शख्सियत को मिलाते हैं जिनको विदेश में भी सम्मान मिला है और यहाँ पर सुशिक्षा नाम से एक संस्था चलाकर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह का प्रोजेक्ट आपने कब और कैसे स्टार्ट किया? जी नमस्कार, मेरा नाम संजोली बैनर्जी है और मैंने सुशिक्षा की स्थापना अनन्या बैनर्जी मेरी बहन के साथ गांव दरड़ में करी। ये स्कूल जो है गांव दरड़ को गोद लेने के अंतर्गत शुरू किया गया। हमने दोनों बहनों ने 2018 में इसे गोद लिया और 2019 में सुशिक्षा की स्थापना करी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम गरीब बच्चों को, खासकर लड़कियाँ और जो अलग अलग वर्ग से बच्चे आते हैं जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल में, तो हम सारे बच्चों को इस मोबाइल स्कूल में पढ़ाते हैं। मोबाइल स्कूल यानी चलता फिरता स्कूल जो गांव में अलग अलग जगहों पर जाकर पढ़ाता है बच्चों को। हम यूजुअली जो है गुरुद्वारा साहिब में या किसी खेतों में पढ़ाते हैं और इस स्कूल के द्वारा हम बच्चों की कला, उनका खेल कूद, उनकी पढ़ाई, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, जीवन की जो सीख है, लाइफ स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग जैसी इम्पोर्टेंट एरियाज़ पर फोकस करते हैं। ये कब शुरुआत की गई थी और आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं? जी तो इसकी शुरुआत 2019 दिसंबर में हमने करी थी अनन्या और मैंने, और फिर हमारे साथ ये सब वॉलंटियर्स जो हैं करनाल से, सब यूथ हैं और सब एनर्जेटिक हैं। इन सब ने हमारे साथ जुड़कर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाना, बच्चों का ध्यान रखना, हम सब मिलकर ये चलाते हैं। और इसको दूसरा क्वेश्चन मैं भूल गई, क्या प्रेरणा मिली आपको? जी तो इसकी प्रेरणा मुझे पहली बार मुझे तब मिली जब मैं इंग्लैंड में थी। मैंने पढ़ाई अपनी बैचलर्स की ऑस्ट्रेलिया से करी है और कुछ समय मैं इंग्लैंड में भी रही हूँ, और तब मुझे लगा कि ये जो वर्ल्ड लेवल की पढ़ाई है इसकी अहमियत मुझे तब समझ आई और मुझे लगा कि इसकी जो खुशी है, इसका जो फल है, वो मैं अपने तक सीमित नहीं रखना चाहती। मेरे देश के बच्चे क्यों इससे वंचित रहे, उनको क्यों ना ये हक मिले पढ़ने का। तो तब मुझे लगा कि मैंने खुद तो पढ़ाई बहुत अच्छी ले ली है, मैं वर्ल्ड की 6th नंबर यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो मुझे लगा ये शिक्षा और ये ज्ञान वेस्ट जाएगा अगर मैं अपने अपने शहर और अपने गाँव और अपने देश के बच्चों के साथ इसे ना शेयर करूँ। जी आज हम आशाएं नाम से एनुअल फंक्शन कर रहे हैं सुशिक्षा का, और ये पहला एनुअल फंक्शन है क्योंकि हमें एक साल हो गया इसे चलाते हुए। तो आज के दिन हमारे बच्चे जो है सुशिक्षा के दरड़ गांव के बच्चे 4th से 10th कक्षा तक, वो सब डांस की प्रेजेंटेशन, स्पीच इंग्लिश में, हिंदी में, नुक्कड़ नाटिका और ऐसे कई सारी परफॉर्मेंसेस देने वाले हैं। और ये एक मौका है बच्चों की प्रतिभा और मेहनत का जश्न मनाने का। तो हमारे साथ कुछ गाँव वाले जुड़े हैं, कुछ करनाल से एस्टीम डॉक्टर्स जुड़े हैं, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो वर्ल्ड कप शूटर हैं, वर्ल्ड कप मेडलिस्ट हैं, वो अभी आने वाले हैं। तो ये सब जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम बहुत आभारी हैं कि गांव हमारा साथ देता है और हमारे माता पिता हमारा साथ देते हैं और वॉलंटियर्स ऐसे बहुत सारे हज़ारों वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो धन्यवाद। आपको फॉरेन बार संसद बनने का मौका मिला था? जी वो क्या, थोड़ा विस्तार से? जी
जी, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी, 3 साल मैंने वहाँ पे बैचलर की डिग्री करी, तो तब मुझे मौका मिला, मैं ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक दिन के लिए एमपी बनी थी। वहाँ का जैसे यहाँ का राज्यसभा है, वहाँ पे उसको सेनेट बोलते हैं, तो मुझे सेनेटर बनने का मौका मिला और मैं प्रधानमंत्री से मिली वहाँ के स्कॉट मॉरिसन से, और उनको मैंने एक चार्टर प्रेजेंट किया जिसमें मैंने बात करी कि कैसे हमें औरतों को और विमेन को पॉलिटिक्स में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड फील्ड नहीं रहना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, और कैसे खासकर विदेशी राजनीति में इंडियंस को और देशों के लोगों को भी लाना चाहिए ताकि वो और रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स बने। और मेरी स्पीच क्लाइमेट चेंज पर जो है वहाँ पे पड़ी गई। लीडर जो है वहाँ के पार्टी के प्रेसिडेंट सेनेटर रिचर्ड डी नेटली, उन्होंने मेरी सेनेट में क्लाइमेट चेंज पे स्पीच पढ़ी, और मैं बहुत गर्व से ये बात कह सकती हूँ और बहुत खुशी से और आभारी होकर कि मैं भारत की पहली लड़की और पहली भारतीय हूँ जो ऑस्ट्रेलिया के सांसद में बैठ कर आई है। बिल्कुल जी, हर चीज़ में चुनौती है, कुछ भी आप करने लगे उसमें चुनौती तो आती ही है, मगर हम उससे डर कर नहीं बैठते। यहाँ पर जैसे बच्चों तक पहुँचना, बच्चों को समझाना ये सुशिक्षा क्या है, माँ बाप तक पहुँचना इनके, फिर उसके बाद कभी कभी और तरीके से, जैसे हम सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम पैसा कहीं से लेते नहीं है ग्रांट्स, तो इसको चलाने में, उसके बाद वॉलंटियर्स को इकट्ठा, करिकुलम से लेकर शेड्यूल डिज़ाइन करने तक, कौन आएगा, कब आएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, ये सारी प्लानिंग जो है मेरी और अनन्या बैनर्जी की मेनली रहती है, और साथ में फिर हमारे माता पिता और वॉलंटियर्स जुड़ते हैं। तो चुनौती डेली बेसिस पे आती है, और कुछ कुछ चुनौती, जैसे कुछ माँ बाप को लगता है कि हम बेटी की शादी करेंगे, हम पढ़ाएं क्यों, कईयों के माता पिता को लगता है कि हम बेटे को काम पे बिठाएंगे, हम उसको पढ़ाएं क्यों, तो उनको कन्विंस करना जो है एक चुनौती रहती है, मगर हमें बहुत खुशी है कि आज तक कभी किसी ने हमारी बात को नकारा नहीं है और सब माने हैं, और आज बहुत सारे लोग हमारे साथ इसलिए जुड़े भी हैं। जी, मेरा नाम अनन्या बैनर्जी है, मैं 12वीं कक्षा की छात्र हूँ, और इसके साथ साथ मैं संजोली बैनर्जी, मेरी सिस्टर के साथ मैं सुशिक्षा की को-फाउंडर भी हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एनजीओ सारथी के साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े, क्योंकि हमें लगता है कि शिक्षा हमें अपने तक सीमित ना रखकर हमें बच्चों में बांटनी चाहिए, और मेरा मैसेज यूथ के लिए सिर्फ इतना ही है कि वो कोई भी शिक्षा है, कोई भी उनकी कला है, वो अपने तक सीमित ना रखें, दुनिया में बांटें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उन तक ये एक्सेस नहीं होता, ये फैसिलिटी नहीं पहुँचती, और ये बच्चों में इतना टैलेंट है, हम इन एक काम करते हैं कि हम इनको सिर्फ निखारते हैं, और मैं चाहती हूँ कि और भी यूथ हमारे साथ जुड़ें और एक चेंज मेकर्स बने, शिक्षा को जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं वर्ल्ड में, हमारा बस यही मैसेज है, और इसीलिए सुशिक्षा का मेन एम है, मिशन है, वो है एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, सशक्तिकरण हम शिक्षा के द्वारा करते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ लिख कर ये नौकरी ढूंढने के अलावा अच्छे इंसान बने, जागरूक इंसान बने, और उन्हें दुनिया का पता हो, यही हमारा मिशन है, और इसीलिए हमारे साथ कई सारे वॉलंटियर्स जुड़े हैं जो वो भी यूथ हैं। तो इतना ही मैसेज है कि यूथ आगे आए और दे मस्ट बी चेंज मेकर्स। थैंक यू। जी जी, जब हमारी सुशिक्षा स्टार्ट हुई तो 150 बच्चे हमारे साथ जुड़े, और ये बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि हमने सिर्फ एक गांव में स्टार्ट किया, वहाँ पर ही इतना अच्छा, तो हमें अब लगता है कि आगे हमारे साथ अगर और यूथ जुड़ेंगे तो हम इसी मॉडल को और सारे गांव में और सारे शहरों में रेप्लिकेट करना चाहेंगे। तो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि यहाँ पर इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग हम सिर्फ सैटरडे संडे को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे हमें कहते हैं वीक डेज में भी पढ़ाइए, तो इतना उत्सुकता हमें दिखती है, बच्चों का एंथुजियाज्म है, तो इसीलिए बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटी सी और में कोई बात कहनी थी, जब हम चुनौती की बात कर रहे थे, जो डे टू डे बेसिस पे चुनौती आती है, उसके अलावा एक बहुत बड़ी चुनौती जो सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए आई थी, पूरे विश्व के लिए आई थी, वो थी कोरोना। और कोरोना में अगर देखा जाए, बिल्कुल बहुत सारे लोगों की जान गई है सैडली, और बहुत नुकसान हुआ है, उसके अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है, खासकर वो गरीब बच्चों का जिनके पास डिजिटल एजुकेशन का माध्यम नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, उनके पास लैपटॉप फ़ोन नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह। तो हमें लगा कि
कि इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिपेयर्ड रहें और कुछ हम ऐसा कुछ डिवेलप करें कि भी इन बच्चों को उससे वंचित ना रखा जाए। हमने पूरी कोशिश करी कि हम इन बच्चों को कोरोना में भी व्हाट्सएप के थ्रू या किसी ना किसी माध्यम से हम बच्चों को कुछ ना कुछ असाइनमेंट भेजें, इनको बिज़ी रखें। हमने आके यहाँ पर अवेयरनेस ड्राइव भी करी थी, इनको समझाया कि सैनिटाइज़र यूज़ करना, मास्क डालना कितना ज़रूरी है। तो हमने अपनी गाड़ी में से अनाउंसमेंट करी थी, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, मगर जैसे ही गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म के साथ रिलैक्स करे रूल्स, हमने सितंबर में इमीडिएटली एक स्कूल खोला और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स के साथ शिफ्ट्स में, बैचेस में बच्चों को बुलाते थे कि पहले 15 बच्चे आएंगे, फिर 15 आएंगे, और इस तरीके से इनकी पढ़ाई भी चलती रहे और इनमें से किसी को बीमार होने का खतरा भी ना हो। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को बहुत खुशी होती है संजोली दीदी और अनन्या के साथ काम करने में। संजोली दी मेरी सीनियर है कॉन्वेंट में और अनन्या मेरी जूनियर। अनन्या को ऐसे काम करते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। उसने मुझसे पूछा कि आप हमारी हेल्प करेंगे, एंड इतना अच्छे काम के लिए कोई कैसे ही मना कर सकता है। तो मैं भी सैटरडे संडे दीदी के साथ आती थी यहाँ पे, बच्चों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगता था। उनमें एक इंथुजियाज़म है कुछ करने की, सीखने की, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर आने में। एंड थैंक यू दीदी फॉर कॉलिंग मी। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं इसका पार्ट बन पाई हूँ, और बच्चों को पढ़ाना, उन्हें सिखाना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि आप सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो। एक बच्चा अगर आप एक गर्ल को पढ़ा रहे हो, एक बॉय को, तो वो अपनी पूरी फैमिली में वो अवेयरनेस देते हैं। तो हाँ जी, कुछ मानदेय मिलता है, कुछ पैसा मिलता है? नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एट। जी सर, यहाँ पर काम कर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम किसी को कुछ अपना जो हम सीख के आए हैं हम किसी को बताते हैं, किसी को सिखाते हैं, उनकी जो खुशी है वो देख के ही होता है कि हाँ हमें भी होता है कि यस हम और कराएंगे, आगे बढ़ेंगे। बच्चों को भी होता है कि यस ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उनको भी वे मिलता है लाइफ को देखने का। जी, सुशिक्षा जो है बेसिकली ये हमारी दो बेटियाँ अनन्या और संजोली ने ये शुरू किया, और इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शहर और गांव के बच्चों में जो गैप रहता है, अक्सर गांव के बच्चे जो हैं वो फैसिलिटीज़ से या कॉन्फिडेंस से, पर्सनैलिटी से कहीं ना कहीं अपने को कमज़ोर समझते थे, लेकिन ये गांव जब से इन दोनों बेटियों ने अडॉप्ट किया है, तब से मैं समझता हूँ कि बहुत चेंज बच्चों में आया, उनकी सोच में, पर्सनैलिटी में, और शहर के बच्चों के साथ कम्पीट कर सकते हैं, चाहे वो नृत्य है, हॉबी है, जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है उससे हट के इन दोनों बच्चों ने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, और मेरे ख्याल में 150 से ऊपर बच्चे जुड़ चुके हैं और भी जुड़ रहे हैं। उसमें ड्रॉप आउट केसेस हैं या बच्चे जो कभी स्कूल जाना नहीं चाहते या अदरवाइज एकेडमिक्स में कमज़ोर हैं, तो हर तरीके से जो है ना ये चाहते हैं कि वो बच्चे मजबूत हों और कॉन्फिडेंट हों। कितने वॉलंटियर जुड़े हैं आपके साथ स्वेच्छा से? जी, मैं ये बोलूँगा कि इसलिए कि इन हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ दोनों टीचर्स हैं, प्लस इनकी क्लास फेलोज़ वगैरह, वॉलंटियर्स का तो नंबर बहुत बढ़ता जा रहा है जी। इनिशियली वो 20 से शुरू हुए थे, लेकिन वो नंबर बढ़ता जा रहा है। हर जो भी बच्चा प्लस टू करने के बाद ग्रेजुएशन, बीटेक, एमबीए कर रहा है, वो इस सुशिक्षा साथ जुड़ना चाहता है और एम्पावर करना चाहता है, मैं समझता हूँ। ये वॉलंटियर हेड हैं, मतलब मेरी माता तो हैं मगर वॉलंटियर हेड हैं, तो इनका ये बता देंगे वॉलंटियर्स के बारे में, अच्छे से सब बता देंगे। पूरे कार्यक्रम के बारे में तो यही कहना चाहूँगी कि मेरी दोनों बेटियाँ, एक छोटे वाली सिर्फ जो 12th में है अभी और बड़े वाली जो अभी मास्टर्स कर रही है, इन दोनों ने पिछले 2 सालों से जो बीड़ा उठाया है और जो अडॉप्ट करा था गांव दरड़ को, तो वो उसी चीज़ को निभा रही हैं और इतने अच्छे से निभा रही हैं कि 5 दिन जब ये खुद पढ़ रही होती हैं, इतनी मेहनत कर रही होती हैं, उसके बाद सैटरडे संडे को फिर ये यहाँ आकर इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि छुट्टी कर लें या चलो घूमने का प्रोग्राम बनाएं। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, जैसे कि बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाना, उसके अलावा डांस, पेंटिंग, ड्राइंग, एरोबिक्स, स्पोर्ट्स। हमारे साथ एक वॉलंटियर हैं जिन्होंने हरियाणा लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेला है, वो भी साथ में जुड़े हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, नेशनल आर्चर हैं जो आज आए हैं, और अगर मैं वॉलंटियर्स के बारे में कहूँ तो मोर देन 100 वॉलंटियर्स हैं जो इस वक्त सारथी के साथ हैं। जो आज प्रेजेंट हैं वो हो सकता है 25 हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि सबकी मजबूरी रहती है, किसी के एग्ज़ाम्स हैं, कुछ हैं। बाकी जो कट कर देते हैं यहाँ पे मम्मा, एक इम्पोर्टेंट जो ये आपने
दृढ़ गांव अडॉप्ट किया है, इसमें क्या कुछ और कार्य किए हैं? जी, जो गांव अडॉप्ट कर रहा है तो जिम्मेवारी हम पर ही है कि क्या क्या करवा सकते हैं। तो मिस्टर बैनर्जी ने उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करके इस गांव की एंट्रेंस वाली सड़क बनवाई है, पहला काम तो ये करवाया है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो मेरी बेटियों ने सुशिक्षा प्रोग्राम शुरू करा, जिसके अंतर्गत वो उनको पढ़ाती हैं, और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अवेयरनेस, उनको जागृत करना, उनको हर चीज़ में, फिज़िकल एक्टिविटी हर चीज़ में उनको आगे रखना। उसके अलावा अभी पिछले ही महीने हमने यहाँ पर सिलाई केंद्र भी शुरू किया है, जिसमें कि हम चाहते हैं कि जो औरतें हैं जिन्हें गांव का जो परंपरा रहती है कि बाहर नहीं जाना कमाने के लिए, तो उन्हें होता है कि गांव के अंदर ही बैठे उन्हें कोई रोज़गार मिल जाए, तो वो कोशिश करी है, जिसमें कि एक ट्रेनर भी हमने एम्प्लॉय करी हैं। और उसके अलावा बहुत सारी लड़कियां आती हैं, दो बैच चलते हैं सिलाई शिक्षा के। और उसके अलावा पेड़ यहाँ पर लगाए थे स्कूल में आज से 2 साल पहले, और एक और दो उसकी के पास में जो एक शमशान घाट में, तो दोनों ही जगह वो जो पौधे छोटे छोटे लगाए थे वो पेड़ बन चुके हैं। तो देखकर बड़ी खुशी होती है जो चेंज आया है। और सबसे बड़ा चेंज तो एजुकेशन से आता है, और वो एजुकेशन के ज़रिए बच्चों में जो आया है, जो बच्चों का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ है, जो नन्हे नन्हे बच्चे सीख रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जिस तरह से उनमें मैनरिज्म्स या चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज, वो बहुत अच्छा लग रहा है। सर, मेरा नाम प्रिंस है और मैं सर से स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगता है और पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, और मैम बैनर्जी मैम और संजोली और अनन्या मैम से काफ़ी इंस्पायर हूँ, और काफ़ी अच्छा है। बच्चे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, और अब उनमें एक उम्मीद की किरण है कि वह काफ़ी कुछ फ्यूचर में कर सकते हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि ये आशाय नाम से सुशिक्षा अभियान चलाया जा रहा है संजोली द्वारा, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के बच्चे आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनको अन्य गतिविधियों से भी मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। मैं सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए, नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.